रवि को आपने कहा था कि आप अपना चूरन नहीं बेच रहे, तो थोड़ा अपना चूरन बेच लेते हैं। तो आपने मार्क्स की बात की, तो व्हाट इज द मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्या करना चाहिए अगर हम एक मार्क्सी लिहाज से मीशत को देखें। क्योंकि अमेरिका में देखा जाए, मैं कोविड से 6 महीने पहले यहाँ पे आया था, तो मैंने वो थोड़ा उनका पीक भी देखा, और कोविड द्वारा मैंने देखा कि यार कितनी होमलेसनेस बढ़ी है, कितनी महंगाई बढ़ी है, कितने नुकसान में, और अभी जो रिकवरी हो रही है वो मैंने देखी है। तो एक नौजवान वोटर इस इंस्पायर है बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली जो रो वर्सेस वेट कवर, सोशलिस्ट पार्टी की बहुत बड़ी इसमें रिप्रेजेंटेशन थी उनकी, तो नौजवान इसके बाद अटैच कर रहा है। पर मार्क्सिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सियासत के लिहाज से और खास तौर पर इकोनॉमी के लिहाज से? थैंक यू यार, आपने इसको भी लाया है। आपकी बात ऐसा है कि देखो, सबसे पहले तो लोगों को मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि भाई मार्क्स का इकोनॉमिक मेथड है क्या। 2 मिनट में लोगों को अगर समझ में आए कि व्हाट क्वेश्चन इज ही एड्रेसिंग, राइट। जिस तरह केन्स का मैंने आपको बताया कि उसका इशू ये है कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एनिमल स्पिरिट्स को फॉलो करती हैं, इसलिए रिसीड करती हैं, तो गवर्नमेंट को पुश करने की जरूरत है। ये केन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। केन्स यहाँ इस एंगल से रियलिटी को देख रहा है। मार्क्स एक डिफरेंट रियलिटी से इकोनॉमिक्स को देख रहा है, जिसमें स्टेप वन में जिब्रान ही पॉइंट्स आउट कि अगर आप इंसानी तारीख का तजिया करें तो आपको नजर आएगा कि भाई जिंदा रहने के लिए हमारी स्पीशी जो है, इंसान जो है, उनकी यूनिक चीज ये है कि वो प्रोडक्शन करते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इनपुट्स लेते हैं और उनको ह्यूमन लेबर के साथ एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। हम अंडे लेते हैं और उसको लेबर के जरिए ऑमलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सही। हम झाड़ू पकड़ते हैं और उससे एक साफ घर ले लेते हैं, समझ। वी टेक सम इनपुट्स, वी अप्लाई आर लेबर एंड वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। ये हमारी स्पीशी का फीचर है, ठीक। मजे की बात यह है कि हमारी ज्यादातर जो चीजें आपके इर्द गिर्द, आपके कमरे में जो आपने पहनी हुई है, जो आप खा के आए हैं वगैरह वगैरह, वो ज्यादातर चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं। जो आप सांस ले रहे हो वो प्रोड्यूस्ड नहीं है, इसलिए आपको उसको पैसे नहीं देने पड़े। लेकिन बाकी तमाम चीजें जो आपके पीछे किताबें पड़ी हुई हैं, जिस कंप्यूटर से आप मेरे से बात कर रहे हो, ये तमाम किसी लेबर प्रोसेस से निकले हैं, किसी वर्कर की फर्म या फार्म या फैक्ट्री से निकले हैं, समझ रहे हो। इनकी अगर मैं लोकेशन को ट्रेस करूं तो एंड इसके पीछे किसी लेबर के हाथ या मसल्स या ब्रेन मौजूद है, राइट। ओके, सो मार्क्स इज सेइंग कि भाई जैसे एडम स्मिथ ने कहा कि वेल्थ किसी सोसाइटी की जो है वो उसकी प्रोडक्शन है, राइट। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि मैं हर दौर में सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। मेरा ख्याल है मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। सोसाइटी को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, समझाने के लिए। हाँ, ग्रुप ए वो लोग हैं जो अपने नर्व्स और अपने मसल्स को यूज करके इनपुट्स से आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। इनको हम कह देते हैं ग्रुप ए, ठीक। लेकिन हर समाज में ग्रुप बी भी मौजूद होता है, हर समाज में, तारीख में आप देख लो, जो ये काम नहीं कर रहा, वो अपने नर्व्स और मसल्स को इस्तेमाल करके चीजें नहीं बना रहा है। अब चूंकि वो जिंदा है, इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि दे आर कंज्यूमिंग थिंग्स। वो खाना खा रहे हैं, वो कपड़े पहन रहे हैं, वो घर में रह रहे हैं। दे आर कंज्यूमिंग थिंग्स विदाउट प्रोड्यूसिंग थिंग्स, दे आर कंज्यूमर्स विदाउट मेकिंग थिंग्स। इसकी क्या मिसालें हो सकती हैं कि मिसाल इसकी, हर माशरे में डिपेंडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, जो प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन कंजम्पशन करते हैं, मिसाल के तौर पर। लेकिन आप गौर करो, ग्रुप बी में सिर्फ डिपेंडेंट्स नहीं है, ग्रुप बी में और किस्म के लोग भी मौजूद हैं जो वैसे बिल्कुल फिजिकली फिट है, उनके मसल भी ठीक है, उनके दिमाग भी ठीक है, लेकिन फॉर वट एवर रीजन, जो भी हम डिड्यूस करेंगे, वो लेबर से एग्जेम्प्ट है। यानी कि उनको जो ग्रुप ए वाले जो कमी है, जो काम करते हैं, अपने नर्व्स और मसल्स को यूज करके चीजें बनाते हैं, उनको ये वाला काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम ग्रुप बी कह देते हैं। अब हर समाज को इसमें से गौर करो, इसमें से मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ कि जो ग्रुप ए के लोग हैं वो सिर्फ अपने लिए चीजें नहीं बना रहे, सिर्फ अपने लिए रोटी और अंडे और गाड़ियां और कंप्यूटर और चीजें नहीं बना रहे, वो ग्रुप बी के लोगों के लिए भी बना रहे हैं। इसको मैं कह सकता हूं कि ग्रुप ए के लोग एक सरप्लस बनाते हैं, दे प्रोड्यूस मोर देन व्हाट दे देमसेल्फ्स नीड एंड कंज्यूम, ठीक। अब इसमें से तीन सवाल मार्क्स कहता है हर समाज को जवाब देना है। नंबर वन, ये कौन डिसाइड करेगा कि ग्रुप ए में कौन होगा, ग्रुप बी में कौन होगा, ये फैसला कौन करेगा, नंबर वन। नंबर टू, ये कौन फैसला करेगा कि जो सरप्लस या प्रॉफिट बना है उसके बारे में फैसला कौन करेगा,
वो वर्कर करेंगे, ग्रुप ए वाले करेंगे क्योंकि उन्होंने बनाया है, या कोई और करेगा? और अगर कोई और करेगा तो वो किस बुनियाद पे करेगा? और नंबर थ्री ये कि जो वो सरप्लस बना है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस इंसान को कितनी मिलेंगी, हाउ विल द सरप्लस बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तीन सवाल हर माशरे ने मार्क्स कहता है उनका जवाब देना है। और वो कहता है कि जब हम तारीख का तजिया करते हैं तो हमें ब्रॉडली स्पीकिंग ये नजर आता है कि पांच छह इसके मेथड्स मोटे मोटे हमें नजर आते हैं ये इन तीन सवालों के जवाब देने के। एक जवाब है जिसको इंसानी तारीख तकरीबन 2 लाख सालों की है, 200,000, ये हमें, मैं इसका रिसर्चर नहीं हूँ लेकिन एवोल्यूशन पे पता लगा है। हाँ, ये मुझे जो फैक्ट मैंने साइंटिस्ट से सुना है वही मैं बता रहा हूँ। 2-2.5 लाख साल की हमारी तारीख है जिसमें से जिब्रान 192,000 ईयर्स हम एक ऐसे सिस्टम में रहे हैं जिसको मार्क्स कहता है कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम। उसमें क्या है कि भाई जो कम्युनिटी ऑफ वर्कर्स, ग्रुप ए के लोग जो मेहनत करते हैं, जो चीजें बनाते हैं, वो खुद ही इसके बारे में भी फैसला करने के अहल हैं कि भाई किसको क्या मिलना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी है। इसको कहते हैं कम्युनिटी या कम्युनिस्ट। द वर्ड कम्युनिस्ट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनिटी, राइट? सो कम्युनिटी बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम को कहते हैं ये। ये हमारी तारीख में 2 लाख साल में से 192 ये रहा है। नंबर वन, तो पहली बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, कम्युनिज्म का मतलब कोई मुल्क नहीं है, ये एक 21st या 20th century पागल टाइप नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस हैं ये, राइट? फॉरगेट दैट, मार्क्स वाज अ जीनियस, ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, एवरी एस्पेक्ट, राइट? अच्छा, तो पहला हो गया ये। दूसरा निजाम है जिसमें ये पॉसिबल है कि ग्रुप बी का कोई बंदा ग्रुप ए के बंदे को अपना गुलाम बना रहे, यानी कि ग्रुप ए का बंदा जो सरप्लस बनाता है वो ग्रुप बी के किसी बंदे की प्रॉपर्टी बन गया, इसको कहते हैं स्लेवरी। तीसरा एक मेथड ये है कि वो स्लेव तो नहीं है ग्रुप ए वाला, लेकिन उसकी जो मोबिलिटी है उसकी, वो रिजाइन नहीं कर सकता जॉब से, जैसे मजारे और हारी है हमारे, इसको सर्फडम कहा जाता है यूरोप में, दे नॉट स्लेव्स देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद मलकियत नहीं है लेकिन उसकी जो रिजाइन करने की एबिलिटी है वो नहीं है, वो रिजाइन नहीं कर सकता जॉब से, वो किसी जमीन के साथ बंधा हुआ है, कोट अनकोट, इसको कहते हैं सर्फडम या मजारत। एक निजाम ये हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो काम करने वाला है, जो ग्रुप ए वाला है, वो काम पे जाता है, वो ना तो किसी की मिल्कियत होता है, वो रिजाइन करने की फैसिलिटी भी है, रिजाइन करने की भी फैसिलिटी है, लेकिन रिजाइन करने के नतीजे में ये होता है कि अगले महीने के बिल नहीं जाते, रोटी नहीं आती, बच्चे भूखे मरना शुरू हो जाते हैं, और वो मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जाता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्लेव काम पे जाता था या मजारा काम पे जाता था, लेकिन फर्क ये है सिर्फ कि इस बिजनेस को करने में उसको एक तनख्वाह मिलती है महीने के एंड में, प्रॉफिट्स के बारे में फैसला कोई और ही कर रहा है। तो मार्क्स ने यहाँ पे जब देखा तो उसने आइडेंटिफाई किया कि यार ये तो बड़ी मजे की बात है, भाई तारीख में हमें कई ऐसे निजाम मिलते हैं जिसके अंदर सरप्लस बनाने वाले में और सरप्लस के बारे में फैसले करने वाले में फर्क है, ये गैर जमहूरी निजाम है सारे। ये जमहूरियत कैसे हो सकती है कि मैं जो काम करता हूँ उस पर मेरा इख्तियार ही नहीं है, इट कैन नॉट बी डेमोक्रेटिक, राइट? सो हियर्स द पॉइंट देन, फार फ्रॉम द आइडिया कि मार्क्स जो है उसका सिस्टम जमहूरियत के खिलाफ है, मार्क्स ये कह रहा है कि जमहूरियत से खूबसूरत कोई सिस्टम ही नहीं है। इतना अच्छा मुझे लगा, मुझे इतना अच्छा लगा कि तुम कह रहे थे सिर्फ सियासत में लाओ, मैं कह रहा हूँ फॉर्म में भी ले आओ, वर्कप्लेस में भी ले आओ, मैं कह रहा हूँ फार्म में भी ले आओ, जहां मैं अपनी जिंदगी के 8 घंटे रोज गुजारता हूँ, 40 हफ्ते वीक के गुजारता हूँ, वहां पर भी जमहूरियत ले आओ तो कितना मजा आए, मजे ना लग जाए, कितना जबरदस्त हो जाए कि सिर्फ जमहूरियत ये नहीं कि जाके वोट पा दे हो, जमहूरियत ये भी है कि मैं जो मेरे ऑफिस में मैं कितने बजे आऊंगा, कितने बजे काम करूंगा, वो जो डिसिप्लिन हम पे इम्पोज होगा वो भी हम कलेक्टिवली इम्पोज कर सकते हैं, हम इतना शऊर रखते हैं कि हम अपने आप को टीम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अगर हम मंडे टू फ्राइडे काम में कोऑपरेट कर सकते हैं तो हम इतने भी अकल हम में होगी कि हम उसके प्रॉफिट्स का क्या करना है उसका फैसला भी कर सकते हैं, हम एक दूसरे को शेमिंग के थ्रू और मैकेनिज्म्स के थ्रू इन्फोर्स भी कर सकते हैं। मैं कहूँ चल यार क्या यार तू वेलिया मार रहा, काम कर चल, ये भी तो मेथड हो सकता था, प्यार मोहब्बत से हम एक दूसरे से काम भी करवा सकते थे, ये जरूरी था कि मेरे साथ मेरे ऊपर ये थ्रेट लगाई जाए कि तेरे बच्चे को अगले महीने भूखा मरवा देंगे बिकॉज यू विल बी अनएम्प्लॉयड। So Marx's idea was, it's a very logical idea, all the empirical evidence also suggests this, that workers' productivity is directly proportional to how secure they feel and how good they feel about the work that they do. यानी कि इंसान मार्क्स की नजर में वेला रहने में खुश नहीं है, इंसान की नेचर का, वो से कहता है स्पीशीज बींग, आई एम वट आई डू,
मैं जो काम करता हूँ वो मेरी पहचान का भी पार्ट है, मैं बन वैसा जाता हूँ। वकील वकीलों की तरह के आर्गुमेंटेटिव होंगे हर वक्त, प्रोफेसर मेरी तरह के बोली जाएंगे, चुपड़ी करेंगे, हैं ये हमारी मैं स्पीशी। आपको मैं बता रहा हूँ कि एक इंसान के नाम मिफ्ता की आपने बात की, मिफ्ता इवन इन्वेस्टर, तो वो भी लिहाज से इन्वेस्टर के लिहाज से देख रहे हैं वो सर। उसको कैसे, यू यू बिकम व्हाट यू डू, राइट। तो मार्क्स कह रहा है आपको, मुझे 150 साल पहले, कि यार कैपिटल उनकी किताब का नाम है, उसमें वो बोल असल में ये रहे हैं कि यार कैपिटल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लेबर। तो अल्टीमेटली वो एडम स्मिथ के आर्गुमेंट को रीहैमर कर रहे हैं, एक कदम आगे लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं सीधी बात, वन पॉइंट, इन्वेस्ट इन योर लेबर, अपने मजदूरों को जो है सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ईंट गारा सीमेंट ना समझो, दे आर योर वेल्थ। ये सिर्फ रेटरिक नहीं है, मार्क्स की थ्योरी से आपको इसका एविडेंस मिलता है। मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा कि हमारे दीन में भी यही है, यही लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है कि भाई असल जो पैदाकार है उसको ही सपोर्ट करने से ही इकोनॉमी बनेगी। और अव्वल तो इकोनॉमी बनेगी भी उसको सपोर्ट करने से, अगर ऐसी इकोनॉमी बन भी गई जो जिसमें वो जो है वो जलील है, जिसमें वो कमी ही है, तो ऐसी इकोनॉमी पर लानत है। ऐसी इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं जिसमें गरीब जो है उसकी टके की कोई इज्जत नहीं है और अमीर जो है वो बहुत अमीर है। नाट्सी जर्मनी वॉज वेरी प्रोडक्टिव सोसाइटी बट इट वॉज किलिंग, इट वॉज अ मर्डर मशीन, राइट। सो इकोनॉमिक, हमने मईशत बनानी क्यों है, ताकि हम एक डिग्निटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ जिंदगी गुजार सकें। मईशत इन ऑफ इट सेल्फ जो है चीजें और नोट खाने नहीं होते इंसानों में, इट्स व्हाट यू डू विद इट। मैं एक कमरे में आपको, एक मैंशन में गोल्ड और सिल्वर से भर दूं मैं आपको, और मैं कहूँ इस कमरे से तुमने निकलना नहीं है, तो वुड यू बी अ रिच मैन और अ पुअर मैन? यू वुड बी द पुअरेस्ट मैन ऑन द वर्ल्ड विद ऑल द मनी, राइट। सो मनी इज नॉट द एंड, यही तो एडम स्मिथ ने हमें बताया कि इट्स गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स एक्सपीरियंसेस, इट्स रिलेशनशिप्स, इट्स कल्चरल एक्टिविटीज, ये सब चीजें मेरे ख्याल है कि हमारा एंड होना चाहिए, और इसके लिए इकोनॉमी एक पार्ट है, और इकोनॉमी के विद इन इन्वेस्टर सिर्फ एक पार्ट है, वो गोल नहीं है। गोल है सिटीजन को राइट्स देना, सिटीजन को जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई एहसान नहीं कर रहे, 1973 में आपने ये वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए सिर्फ हम आपको कह रहे हैं एज इकोनॉमिस्ट, और उसमें जो भी एज इकोनॉमिस्ट हम हेल्प कर सकते हैं वी आर ऑलवेज देयर। आपने एंड की बात की, मैं एंड में आपको शुक्रिया अदा भी करना चाहूंगा, क्योंकि आपने, आपके एक पॉडकास्ट से मुझे पता लगा आपने रिचर्ड वुल्फ का जिक्र किया था, तो जी मैंने जी हाल ही में उनकी किताब पढ़ी, अंडरस्टैंडिंग मार्क्सिज्म, को 50-60 सफ़ा की किताब थी, बड़ी बेहतरीन किताब थी वो। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बात करना चाहूंगा कि वो किताब लाजमी पढ़े, वो बहुत अच्छी किताब है।